हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट सांभर की रेसिपी, और ये सांभर हम बनाएंगे बिना किसी सब्जी के। और यकीन करिए 15 मिनट में आपका सांभर बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप इसे बार बार बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे हम आधा कटोरी तुअर की दाल। यहाँ पर मैंने तुअर की दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, 2 से 3 बार आप इसे अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। सांभर जो होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ेगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, और इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसे पका लेंगे, या जब तक दाल अच्छी तरह से गल ना जाए। तो यहाँ फ्लेम ऑन है और दाल को पकने देते हैं। दाल हमारी पक गई है और इसे हम एक बार मिक्स कर देते हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से पानी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। दाल को हम साइड में रख देते हैं, यहाँ पे तड़का रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून सरसों के दाने। सरसों के दाने थोड़े चटकने लगे, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग। 8 से 10 कड़ी पत्ते, 3 साबुत लाल मिर्चें, थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ट्रांसलूसेंट हो जाए, इतना ही हमें पकाना है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे ताकि अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर 1 मीडियम साइज का, जिसे बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया है। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और इसे एक बार मिक्स कर देंगे और ढककर हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर हमने डाला है 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे हमारे सांभर में कलर बहुत अच्छा आएगा। सांभर पाउडर 2 टीस्पून, और इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम भून लेते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दाल और इसे मिक्स कर लेंगे। अब सांभर में जैसा कि थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, इसके लिए इमली की चटनी का यूज़ किया है, जो नॉर्मली हमारे घर में होता है। तो इमली की चटनी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, इसमें गुड़ भी होता है और इमली भी होता है, इससे हमारे सांभर में बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट आएगा। तो आप इसे डालें, अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, और इसे आप 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट के बाद सांभर हमारा बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व करिए इडली, वड़ा या डोसे के साथ। आई होप आज की रेसिपी आपको हेल्पफुल लगी होगी, और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।